सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट एनी वन इन टू योर कस्टमर। यस गाइस, कैसे आप किसी को भी अपने कस्टमर बना सकते हो, कोई भी कोल्ड ट्रैफिक हो, कैसा भी पर्सन हो जिसे आप एक बार मिले हो या कहीं पर मिल गए हो, और उसको आप अपनी चीजें सेल कर पाओ और आप पैसे कमा पाओ उसको हेल्प करके, राइट। तो कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो मोस्ट वैल्यूएबल वीडियोस हैं आप तक जरूर पहुंचे। सो दिस इज टीए एंड आई हेल्प यू टू मेक ऑसम ऑन इंटरनेट। लेट्स गो। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द थ्री स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज लाइक दिस। सो गाइस, हियर इज योर फर्स्ट स्टेप जो सबको पता है आई थिंक। सेंड फ्री ट्रैफिक टू वैल्यू लेटर। जो भी बंदा आपसे फ्री में मिलता है, मतलब कि मिलता है आपको, जिसको कोल्ड ट्रैफिक कहते हैं, चाहे वो आपको कहीं पर मिले, सोशल मीडिया पे मिले, या आपका ऑफलाइन कस्टमर हो, व्हाटएवर, राइट, आपको पहले उसको फ्री का वैल्यू देना है, वैल्यू लेटर में डालना है। मतलब कि एक ऐसा वेपन आपको क्रिएट करना है जिसमें आप उसको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे सको। लाइक अगर आपका ब्लॉग है तो आप उसको ब्लॉग सेंड करो, अगर आपकी वीडियोस है तो आप उसको वीडियोस सेंड करो, अगर आपके और भी कुछ कंटेंट वेज हैं लाइक आपके पॉडकास्ट हैं तो आप उसको पॉडकास्ट सेंड करो। मतलब उसको फ्री की वैल्यू दो। मैं ऑनलाइन में काम करता हूँ, इंटरनेट बिजनेस कोच हूँ, तो मैं इंटरनेट की ज्यादा बात करूंगा। आप उनको ब्लॉग दे सकते हो, पॉडकास्ट दे सकते हो, अपनी वीडियोस दे सकते हो, राइट। इसीलिए मैंने लिखा है सेंड फ्री ट्रैफिक टू वैल्यू लेटर। किसी को भी आप अपने कस्टमर में इजी कन्वर्ट कर पाओगे अगर आप इस स्टेप्स को सही से फॉलो करोगे। देन उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप आता है, नो ईच अदर, बिल्ड अ रिलेशनशिप। पहले आपको कुछ ना कुछ उसको फ्री में देना है। जब तक आप उसको फ्री में नहीं दोगे तब तक वो आपके पास स्टक नहीं होगा, मतलब रुकेगा नहीं। लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जब तक आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो, किसी नए दुकानदार के पास, और जब तक आप उससे कुछ चीज़ें खरीद नहीं लेते हो, मतलब 10, 5, 6 रुपए, जितने रुपए की भी, जब तक आप उससे कुछ सामान खरीद नहीं लेते हो, तब तक वो आप पे सीधे तौर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। ये चीज़ आपने कभी फील की होगी, आपने कभी देखा होगा, चाहे वो किराना स्टोर हो या कोई सा भी स्टोर हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने फील की होगी। अगर आपने फील की है सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, कमेंट अभी के अभी करके बताओ क्या आपने कभी फील किया है ये चीज़ कि जब तक हम किसी को मतलब किसी भी शॉप पे जाकर उससे कुछ खरीद नहीं लेते तब तक वो हम पर सही से फोकस नहीं करता, राइट। आपको याद होगा, अगर आपके साथ कभी भी हुआ है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके साथ क्या हुआ था। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे लोगों के साथ उतना ज्यादा आप इन चीजों को सीखोगे एंड लोगों को भी इससे हेल्प होगा। तो मेक श्योर आप कमेंट में जरूर इस चीज को बताओ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि आपको उनको कुछ फ्री में देना है जो मोस्ट वैल्यूएबल हो उनके लिए, राइट। एंड देन सेकेंड, आपको उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। कब? जब वो आप पर फोकस करने लगेंगे। जब आप उनको फ्री में वैल्यू दे दोगे तो वो आप पर फोकस करने लगेंगे तो आप उनसे पूछ सकते हो आप क्या करते हो, आप अपने लिविंग्स के लिए क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कैसे अर्निंग करते हो, और अगर आपका कोई प्रोडक्ट है लाइक आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग का या इंटरनेट बिजनेस का, पूरा ईमेल मार्केटिंग का, लैंडिंग पेज का कोई कोर्स सेल कर रहे हो, तो आप उससे बात करना स्टार्ट कर दो कि भाई आपको ईमेल मार्केटिंग कैसे आती है, लाइक आपने कभी ईमेल मार्केटिंग सीखी है क्या, आपको पता है क्या ईमेल मार्केटिंग एडवांटेज, मतलब ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ डायरेक्टली पूछना स्टार्ट नहीं कर देना है। सबसे पहले आपको उनका नाम, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सारी चीजें जो हम कॉमन बात करते हैं, राइट। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको उनको वैल्यू देना है, राइट। इसीलिए मैंने कहा है कि वैल्यू लैडर में आपको उनको डाल देना है। उसके बाद जब आप उनको दे दोगे देन उसके बाद आप उनसे रिलेशनशिप बनाओगे। एंड थर्ड एंड प्रो टिप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको ध्यान से सुनना। सो गाइज, द प्रो टिप इज आप अपने कंटेंट में उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हो जो प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपका जो टारगेटेड कस्टमर है वो फील कर रहा है या फेस कर रहा है, राइट। मैं कहना ये चाह रहा हूँ जैसे कि आप अपने मार्केट को जानते हो, आप उन्हीं लोगों को अपने मार्केट में लाना चाहोगे जिनको आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोडक्ट की उनको जरूरत है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो भी उनको फ्री के कंटेंट दे रहे हो आप उनमें उनकी प्रॉब्लम हाईलाइट कर सकते हो। लाइक अगर एक आप एफिलिएट मार्केटर हो तो आपकी प्रॉब्लम है कि आप ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हो अपने प्रोडक्ट पे, राइट। आपकी प्रॉब्लम है आप सही प्रोडक्ट चॉइस नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, राइट। तो मैं अगर आपको ये कंटेंट देता हूं तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उस चीज को अपने कंटेंट में हाईलाइट कर दूंगा, राइट। सो दिस इज द प्रो टिप
यू हैव टू यूज फॉर योर कस्टमर। आपको अपने कंटेंट में उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है जो प्रॉब्लम आपका कस्टमर पहले से झेल रहा है। द नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज है यूअर स्टोरी। अब ये यूअर स्टोरी क्या, यूअर स्टोरी मतलब कि वो स्टोरी जो आपके दिल से निकले, और हॉनेस्टली मैं कह रहा हूं कि वो आपकी तरफ से हॉनेस्ट होके कही जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को। लाइक स्टोरी लाइक जनरली जो आपके साथ हुआ है, राइट, जेन्युइन जो आपके साथ हुआ है। लाइक थोड़े मंथ्स पहले एक बंदा आया और उसने कहा कि लाइक सर, जब मैं फ्री में पैसे कमा सकता हूँ सो मैं आपको पेमेंट क्यों करूँ, मैं आपको पे क्यों करूँ, मैं कोर्सेज क्यों बाय करूँ, राइट। एंड देट टाइम आई जस्ट सेड लाइक या इट्स ओके, यू कैन मेक मनी फॉर फ्री, नथिंग प्रॉब्लम, या जस्ट गो एंड डू इट नाउ। एंड फिर अभी अभी कुछ दिन पहले, कुछ वीक पहले, आई वॉन्ट टू से लाइक 1 वीक हो गया होगा या 2 वीक हो गया होगा, कुछ दिनों ही पहले की बात है, वो अगेन आया मेरे बॉक्स में एंड उसने मुझे मैसेज किया एंड ही सेड लाइक भाई मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट मेकिंग मनी। एंड दैट टाइम आई सेड दिस इज द प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं कोर्सेज। So, इसलिए यू बाय अ कोर्स फ्रॉम समवन एंड टू लर्न द राइट वे एंड टू सेव योर टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी, तब जाके आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, आपको रिजल्ट आते हैं। तो ये कारण है कोर्सेज खरीदने का, ये कारण है कोर्सेज को बाय करके पहले लर्निंग करने का, बिकॉज नॉलेज इज द पावर। तो जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे तब तक आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, बिकॉज यू डोंट नो द राइट वे टू मेक मनी, और यू कैन से जस्ट लाइक यू डोंट नो द राइट वे टू डू समथिंग और द थिंग यू वांट टू डू, राइट। सो ये चीज मैं उसको बोला, वो बोला हाँ भाई, हाँ हाँ आपने सही कहा। एंड इमिडिएटली उसने मेरा 777empire.in का कोर्स बाय किया, राइट। एंड फिर उसके बाद वो छोड़ो, फिर उसके बाद जब मैंने ये कोर्स अपना लॉन्च किया एफिलिएट मार्केटिंग कल, मैंने कुछ कहा भी नहीं, बस लॉन्च किया है एंड उसने इन अ मिनट वो कोर्स को बाय कर लिया, इन अ मिनट, राइट। एंड देन ही सेइंग सर आप बहुत सही थे एंड मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ग्रोथ होते जा रहा है, मुझे 1 महीना हो गया है लर्निंग करते हुए, मुझे इतना ग्रोथ मिल गया, अब मैं इस कोर्स से फेसबुक एड्स रन करूंगा, इस कोर्स से मैं इंस्टाग्राम सीखूंगा, इस कोर्स से मैं एफिलिएट मार्केटिंग सीखूंगा और तेजी से ग्रोऊंगा। दैट टाइम आई सेड यही काम अगर आप 3 महीने पहले कर लेते सो अभी आप नेक्स्ट लेवल पे होते, राइट। तो ये चीज मैंने उसको समझाई, सही से समझाई, एंड नाउ ही इज डूइंग गुड। तो वही चीज गाइस मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने लाइफ का जो भी स्टोरीज है, जो जेन्युइन स्टोरीज है जो आपके साथ घटता है, राइट, स्क्रिप्टेड नहीं, लाइक आप खुद बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो आपके साथ हो रहा है, जो आप लोगों से बात कर रहे हो, हम बहुत सारी स्टोरीज डेली क्रिएट करते हैं, लाइक आपने अपने फादर से बात की, मदर से बात की, सिस्टर से बात की, भाई से बात की, फ्रेंड से बात की, तो वहां पर ये सब क्या हो रहा है, एक कॉन्वर्सेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर इसमें कुछ लगता है कि आप ये लोगों के साथ शेयर करोगे और लोगों को इसका कुछ बेनिफिट पहुंचेगा, सो जस्ट यू कैन शेयर यूर थिंग्स विद यूर पीपल, राइट। तो ये होती है स्टोरी टेलिंग, ये होती है द राइट वे टू टेल यूर स्टोरी, दिस इज द ट्रूथ ऑफ स्टोरी, राइट। तो गाइज ये था स्टोरी का, एंड नाउ हम लोग बात करते हैं माइक्रो कमिट्स की, राइट। जब आपने पहले उनको फ्री लेटर में डाल दिया, फ्री वैल्यू लेटर में, देन उसके बाद आपने स्टोरी उनको बताना स्टार्ट कर दिया, ये प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है वो 1 से 2 वीक का प्रोसेस है, राइट। आपने उनको स्टोरी बताना स्टार्ट कर दिया, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अब माइक्रो कमिट का समय आ गया है, मतलब कि आस्क फॉर समथिंग। अब आपका जो कस्टमर है, जो प्रोस्पेक्ट था पहले, अब वो आपको जानने लगा है, बिकॉज आपने उसको बहुत सारी चीजें दे दी हैं। अब माइक्रो कमिट्स में आपको उनसे कुछ पूछना है, लाइक अगर आप चाहो तो मुझे आप अपने YouTube चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल का आइकन प्रेस कर सकते हो। अगर आपने भी अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल का आइकन प्रेस नहीं किया, तो मेक श्योर गाइज आप भी अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोज यहाँ पर मिलती हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, जस्ट जाओ वहां पर क्लिक करो, आपको
इंस्टाग्राम के और बाकी मेरे सोशल मीडिया के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। बट मेक श्योर आप यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करो एंड इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, बिकॉज वहां पर भी बहुत सारी वीडियोज और कॉन्टेंट आपको डेली मिलते हैं। तो गाइज ऐसे करके आप अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने फैन से, फॉलोअर से और यू कैन से कि अपने कस्टमर से, फ्यूचर कस्टमर से कुछ भी पूछ सकते हो। लाइक जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, राइट, अब आपकी मर्जी, आप मुझे फॉलो करो या ना करो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप फॉलो करोगे, नहीं चाहिए होगा सो यू विल बी आउट फ्रॉम दिस गेम, राइट। तो यहां तक आप अपने सही कस्टमर्स को ला लोगे ऐसे, देन उसके बाद गिव समथिंग मोर वैल्यूएबल। पहले आपने थोड़ा सा कुछ वैल्यूएबल दिया था, बट अब आप उसको कुछ ज्यादा वैल्यू की चीजें दोगे और वही आपका कॉन्टेंट होगा, राइट। एग्जाम्पल मान लो आपने पहले ई बुक दी थी, तो अब आप कुछ वीडियो सीरीज दे दो उसको। लाइक आप जिस भी चीज में एक्सपर्ट हो, लाइक आप एफिलिएट मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, जैसे कि मेरा जो अभी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया, राइट, उस कोर्स में मैं एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा कोर्स दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद मैं फेसबुक एड्स का एक इंटरनेशनल गुरु के मैंने जो कोर्स किया था वो पूरा कोर्स दे रहा हूँ। देन उसके बाद मैं आपको इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी कह लो या इंस्टाग्राम मार्केटिंग का पूरा कोर्स दे रहा हूँ। तो एक कोई बंदा मेरा बाय कर रहा है, मैं उसको तीन कोर्स दे रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, राइट। आप भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा वन प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी नाम है मेरे कोर्स का। तो वहां पर मैं कोई एक चीज खरीद रहा है, मैं उसको तीन चीज दे रहा हूँ, राइट। तो मोर वैल्यू, राइट। थर्ड जो स्टेप होता है माइक्रो कमिट्स का होता है, एंड जिसमें आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, लोगों से पूछते हो कि आप क्या मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके जो कस्टमर का बैरियर है वो छन जाता है और आपके पास प्योर जो आपके फ्यूचर कस्टमर होने वाले हैं वो आपके पास आते जाते हैं, राइट। और द लास्ट फोर इम्पॉर्टेंट स्टेप है, फोर्थ इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि मोर वैल्यू, मोर टॉकिंग एंड फॉलो अप। अब यहाँ से आप उनको अपने ओटीपी इन में ले जाओगे। ओटीपी इन, ओपीटी इन क्या होता है, जब आप लोगों को अपने फनल में एंट्री दिलाते हो। फनल इट्स मीन एक पेज होता है, लाइक आपने मेरा एक पेज देखा होगा अनपेड ट्रेनिंग्स का, तो वो पेज होता है, लाइक मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। ये है मेरा आस्क पेज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसे ही करके आप भी अपना आस्क पेज क्रिएट कर सकते हो। कैसे आस्क पेज क्रिएट किया जाता है ये सारी चीजें मैंने अपने अपने कोर्स में बताई है, जो आप इजिली बाय कर सकते हो इन 90% ऑफ, राइट। आपको नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज ये चीज आपको करनी है, और फोर्थ स्टेप में आपको फॉलो अप स्टार्ट कर देना है अपने आस्क पेज के थ्रू। अब जब लोग यहाँ पर आके अपना नेम और ईमेल डालेंगे तो वो आपकी ईमेल लिस्ट में चले जाएंगे। ईमेल लिस्ट में जाने के बाद आप उनसे बहुत सारी बातें कर सकते हो ईमेल के थ्रू, प्लस बहुत सारा वैल्यू दे सकते हो अपने ईमेल के थ्रू, अपने ईमेल्स के थ्रू। एंड देन एट द एंड वो जो कोल्ड ऑडियंस है, वो जो कोल्ड कस्टमर है, कोई भी हो, एनीवन विल कन्वर्ट इंटू योर रियल कस्टमर, राइट गाइज। तो ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सेंड फ्री ट्रैफिक टू वैल्यू लेडर, दूसरा होता है यूअर स्टोरीज, तीसरा होता है माइक्रो कमिट्स, जहाँ से आपके ट्रू फैंस आपके साथ आ जाते हैं और जो टाइम पास करते होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड फोर्थ जो होता है वो होता है मोर वैल्यू, मोर टॉकिंग एंड फॉलो अप्स। यहाँ से आपको रियल कस्टमर्स मिलते हैं। तो ये फोर्थ वेज है किसी को भी अपने कस्टमर में कन्वर्ट करने के, गाइस। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगी कि वैल्यूएबल है तो आप उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं या आपको लगता है बिजनेस में है, तो प्लीज उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ वैल्यू जा पाए। और अगर आपको और भी चीजें सीखनी है तो मेरा एक कोर्स है जिसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जस्ट क्लिक एंड गो एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट आई थिंक इन अ लिटिल अमाउंट, जस्ट इन अ लिटिल अमाउंट, राइट गाइस। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।